नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। क्या ब्रह्मांड में कोई दूसरी धरती भी हो सकती है जहां जीवन और जीने का आधार हो? वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसे दूसरी धरती कहा जा रहा है। नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के आंकड़ों के जरिए एक अनोखे एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है जिसमें बहुत सी विशेषताएं ऐसी हैं जो अब तक किसी भी ग्रह में नहीं मिली। यह अब तक के खोजे गए 5000 वाह ग्रहों में सबसे हल्के ग्रहों में से एक है। इसका भार पृथ्वी का लगभग आधा है और इसका व्यास 9000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो मंगल ग्रह के व्यास से थोड़ा सा ज्यादा है। यह खोज जर्मन एरोस्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लैनेटरी रिसर्च के वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने की है। यह कम घन वाला एक पथरीला ग्रह है और इसका नाम G7367B रखा गया है। इसका रेडियस धरती के रेडियस से 72% के बराबर है और घन धरती के 55% के बराबर। यह धरती से 31 प्रकाश वर्ष से भी कम दूरी पर स्थित है और एक लाल बौने सितारे GJ367 की परिक्रमा करता है। यह सितारा पृथ्वी के सूर्य के आधे आकार का है। जिस टीम ने इसे खोज निकाला है उस टीम का नेतृत्व करने वाली क्रिस्टीन लैम ने बताया है कि ऐसा लगता है कि इसकी विशेषताएं बुध ग्रह के जैसी हैं। इस वजह से इसे पृथ्वी से कम आकार के टेरेस्ट्रियल ग्रहों में रखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इससे दूसरी पृथ्वी की तलाश में शोध एक कदम और आगे बढ़ा है। हालांकि वैज्ञानिक सिजमाजिया ने कहा है कि इस ग्रह को दूसरी पृथ्वी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे काफी ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, जो इस रेडिएशन से 500 गुना ज्यादा है जिसका सामना पृथ्वी करती है। उन्होंने कहा है कि इसकी सतह का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इस तापमान पर सभी पत्थर और धातु पिघल जाते हैं। इस खोज के बारे में जानकारी विज्ञान की पत्रिका साइंस में छपी है। इस तरह के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है और वैज्ञानिक इसे खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि संभावना रहती है इस पर शायद जीवन मिले। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।